बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सिंधी सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई आसान है, इंतहाई लजीज है और मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। शायद आप अपने घरों में इस तरह का सालन ना बनाते हो, मगर जो सिंध के रहने वाले लोग हैं वो इस रेसिपी से अवेयरनेस रखते हैं और पंजाब सरहद और बलोचिस्तान के लोग भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि दो तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी आपको। बनाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सा सालन बनाते हैं। यहाँ ये रेसिपी बनाने के लिए दो तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होंगी। भिंडी का इस्तेमाल होगा, गवार की फली का इस्तेमाल किया जाएगा। भिंडियाँ और गवार की फलियाँ मैंने धो ली हैं और खुश कर लिया है इनको। गवार की फली का हमने टॉप हटाना है और इसका ये बॉटम से भी हमने इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। इस तरह से इसको हम हटा देंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये सख्त है, इसके किनारे सख्त हैं, तो आप किनारों को भी थोड़ा सा छील सकते हैं, मगर मैं इनको छील नहीं रही हूँ, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इसको रखूँगी। तो इसको छोटा छोटा सा काट लेंगे। गवार की फली भी मैं साफ़ करके रख लूँगी इस तरह से, और भिंडियों को भी मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। गवार की फली को मैं इस तरह के छोटे पीसेस में काट रही हूँ, आप इससे बड़े पीसेस भी काट सकते हैं। तो तमाम गवार की फलियों को मैं इस तरह से काट कर रख लूँगी। गवार की फली आलू के साथ भी बनती है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अभी आप देखें, यहाँ पे मैंने तमाम गवार की फलियाँ काट ली हैं। अब हमने भिंडियों को साफ़ करना है, तो भिंडी का टॉप हम इस तरह से हटाएंगे कि इसको हमने सिर्फ छीलना है, हम इसको छोटे पीसेस में काटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेसदार सालन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका टॉप हटा देंगे, यानी इसको छील लेंगे। दोनों सब्जियां इस तक मैंने छील कर साफ़ करके काट कर रख ली हैं। अब हमने इन्हें पकाना शुरू करना है। हाफ कप ऑयल में मैं पहले दो बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली कट करके शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके साथ ही एक टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़े से मेथी दाना और थोड़े से हमने राई दाना शामिल करना है। राई दाना 1 टीस्पून है, मेथी दाना आपने 1/2 टीस्पून लेना है, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटरों को नरम कर लेंगे। टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं, अब हमने इन टमाटरों को मैश करना शुरू करना है। ये टमाटर भी साथ साथ हम मैश करते रहेंगे, और वो मसाले जो हमने साथ शामिल किए थे, इनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इस वक्त आप देखें, टमाटर अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे, हसबे ज़ायका इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, और इसमें हमने थोड़ा सा इमली का जूस शामिल करना है। यानी अब मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून इमली का जूस शामिल किया है। आप कम खट्टा खाना पसंद करते हैं, 1 या 2 टेबलस्पून ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको भून लेंगे। इमली का पानी, टमाटरों का पानी मैंने ड्राई कर लिया है इस वक्त। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करते ही इसमें आपने चम्मच चलाना है, मिक्स करना है, बेसन को भूनना है। इसमें थोड़े बहुत लम्स नज़र आते हैं, तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, बस आप चम्मच चलाते रहिएगा इस तरह से। इसी दौरान ये बेसन काफ़ी अच्छा भुन जाएगा, और आप देख रहे हैं नीचे से थोड़ा सा लगना शुरू हो चुका है, बेसन काफ़ी अच्छा भुन चुका है। इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, सब्ज़ी के हिसाब से मैंने पानी शामिल किया है। 1 गिलास पानी शामिल करके इसको कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में सब बॉयल आ चुका है, अब हमने इसमें सब्जियां शामिल करनी है। सब्जियां शामिल करेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे, ताकि ये सब्जियां इसमें गल जाएं। भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है, गवार की फली में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर वो भी भिंडी के साथ भी गल जाती है। तो अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये दोनों सब्जियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह दोनों सब्जियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। एक थिक और मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, इंतहाई लजीज बनता है। सिंध के अलावा आप लोग जिस प्रोविंस से ये रेसिपी देख रहे हैं, जिस मुल्क से आप ये रेसिपी देख रहे हैं,
आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। दो सब्जियां हैं, गवार की फली और भिंडी, जो कि सिंध के अलावा आप अपने इलाके में भी बना सकते हैं। एक मुख्तलिफ तरीका है बनाने का, एक न्यू आइडिया है, एक न्यू रेसिपी होगी आपके लिए। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत लजीज बनती है। तो इस वक्त ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, शाइनी मज़ेदार सा थिक सालन बिल्कुल रेडी है। हल्की आंच पर आपने इस सालन को पकाना है, ऑयल सेपरेट हो जाता है और बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।